नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे, जबरदस्त होंगे और आपके हालचाल ही मस्त होंगे। मैं हूं आपका अक्कड़ बक्कड़ राहुल अक्कड़ और लेकर आ गया हूं वेक्टर्स का पार्ट टू, जिसमें हम लोग सवाल करने वाले हैं उस इन्फॉर्मेशन का जो हमने पार्ट वन में पढ़ा। सो आई होप आप लोगों ने वीडियो का पार्ट वन देख लिया होगा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन योर फेवरेट चैनल अड्डा 247 स्कूल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पार्ट वन से तुम लोगों ने वेक्टर का जनरल फॉर्म सीख लिया, उसका रिप्रेजेंटेशन सीख लिया, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियोज के बीच में रिलेशन सीख लिया, मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं ये पता लगा लिया, पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं ये पता लगा लिया, और किस तरह से दो वेक्टर के बीच में इंटरेक्शन होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर होते हैं, ये तुमने सीख लिया। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक सवालों से। और यकीन मानिए, अगर आपने मेरे साथ बैठ के सारे सवाल कर लिए ना, तो आपको पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ये दोस्तों हमारा पहला सवाल बड़ा ही आसान सा है, एक बार उसको रीड कर लीजिए। यहां पर आपको मिल रहा है वेक्टर ए की वैल्यू और ये बोल रहा है कि लैम्डा की जो वैल्यू है वो -4 से लेके 1 तक के बीच में आती है। आपको पता करना है मैक्सिमम वैल्यू मॉडुलस ऑफ लैम्डा ए वेक्टर। सबसे पहले एग्जाम में रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो वेक्टर गिवन है उसके बारे में बात करते हैं। 2i कैप, 2j कैप, 1k कैप, ठीक है। अब ये बोलता है लैम्डा की वैल्यू -4 से 1 के बीच में है, लेकिन यहां पर वो बोल रहा है कि वैल्यू निकालनी किसकी है, लैम्डा ए वेक्टर का मॉडुलस। पहले तो दोनों को अलग करो, लैम्डा का मॉडुलस लो और उसके बाद ए वेक्टर का मॉडुलस लो, ठीक है। तो ये दो मॉडुलस हो गए। अब लैम्डा का मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि अगर लैम्डा की वैल्यू -4 से 1 के बीच में आती है तो मॉडुलस ऑफ लैम्डा की वैल्यू आएगी 0 से लेके 4 के बीच में, क्योंकि यहां पर मॉडुलस का मतलब ही ये रहेगा कि वो आपको पॉजिटिव की तरह ढकेल दे, पूरी वैल्यूज जो रहेंगी पॉजिटिव की तरह ढकेल देगा वो, ठीक है। तो 0 से लेके 4 के बीच में लाई करेगा मॉडुलस ऑफ लैम्डा की वैल्यू को। अब उसके बाद बात करते हैं कि सर यहां पर ए वेक्टर का मॉडुलस कैसे निकालें। तो तुम लोगों को पता है कि अगर ए वेक्टर ये है तो इसका मॉडुलस क्या रहेगा। तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू रही तुम्हारी 3। अब तुम लोगों को बोला गया है कि भाई लैम्डा इनटू मॉडुलस ए की वैल्यू क्या रहेगी। तो तुमने लैम्डा की जगह सिर्फ लैम्डा रहने दिया और यहां पर क्या लिख दिया, यहां पर लिख दिया 3, क्योंकि तुम्हारे ए वेक्टर की वैल्यू 3 थी। क्योंकि तुम देखो एक बार, तुम्हारे मॉडुलस ऑफ लैम्डा की वैल्यू जो थी इट इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 4, लेकिन यहां पर 3 लैम्डा की बात चल रही है। तो अगर मैं 3 3 3 तीनों मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पर तब भी 0 आएगा, यहां पर 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा आ जाएगा और यहां पर 3 into 4 12 आ जाएगा। सो व्हाट इज गोइंग टू बी योर मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू इज गोइंग टू बी 12। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू गॉट इट, रिट इट डाउन। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। क्वेश्चन में आप लोगों को वेक्टर ए वेक्टर बी की दो वैल्यू दी हुई है, मतलब यहां पे दो वेक्टर दिया हुआ है। अब आपको x, y, z की वैल्यू निकालनी है। अगर तुम्हारे पास कंडीशन है कि ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ बी वेक्टर, अब ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर का मतलब क्या होता है, ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर का मतलब होता है ट्वाइस ऑफ होल वेक्टर। तो x, i, सिमिलरली थ्राइस ऑफ दिस वेक्टर, तो थ्राइस ऑफ बी वेक्टर इज, नाउ बिकॉज दे हैव सेड दैट दे आर इक्वल, इट मींस वी कैन कंपेयर ऑल द वैल्यूज। अब जब ये बराबर है ही, तो आई कंपोनेंट का कोएफिशिएंट कंपेयर कर दो, फिर जे वेक्टर के कंपोनेंट कंपेयर कर दो, फिर के वेक्टर के कंपोनेंट कंपेयर कर दो, दैट्स इट। सो एक्स की वैल्यू रहेगी वो रहेगी 3, वैल्यू ऑफ वाई इज गोइंग टू बी, सो ये रहेंगी तुम्हारी 3 वैल्यूज। आई होप यू गॉट इट। अब बात करते हैं यहां पर कि भाई तुम्हारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर, दूसरा दिया है बी वेक्टर। तुम्हें शो करना है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस इज इक्वल टू वेक्टर बी का मॉडुलस, ठीक है। तो भाई सीधी बात है, अगर ए वेक्टर दिया हुआ है और बी वेक्टर दिया हुआ है तो इसका मॉडुलस क्या रहेगा, तो आंसर क्या रहेगा यहां पे, देखो भाई दोनों मॉडुलस का आंसर सेम आया है। तो आपके पास ये तो प्रूफ हो गया कि भाई मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। अब दूसरा सवाल ये है कि आर द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल, तो भाई ऐसा नहीं है।
दोनों वेक्टर बराबर नहीं है क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस का कंपोनेंट और करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस कंपोनेंट, मतलब यहां बोला जा रहा हूं मैं कि आय का जो कंपोनेंट है यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, मतलब एक्स का कंपोनेंट जो है वो अलग अलग है और वाई का कंपोनेंट भी अलग अलग है। तो ये मॉडुलस भले ही सेम आ गया है पर दोनों वेक्टर बराबर नहीं है। वेक्टर बराबर तभी होते हैं जब दोनों के करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट बराबर होते हैं। आई होप इट इज क्लियर, नोट इट डाउन। तो भाई ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सा सवाल है। यहां पर बोला गया है कि भाई राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। अब तुमको पता है कि डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो के बीच में क्या रिश्ता होता है। तुमको पता था कि जब भी मैं ऐसा ड्रॉ करता हूं और यहां से तुम्हारा ओ पी होता है तो पी का जो वैल्यू होता है ये होता है एक्स वाई जी। इसको प्यार से ए बी सी भी बोल सकते हो, लेकिन इतना सा पता होना जरूरी तुम लोगों को, L की वैल्यू होती है x बाय आर, m की वैल्यू होती है y बाय आर, n की वैल्यू होती है z बाय आर। तो तुम्हारे पास x की जो वैल्यू होती है दैट इज गोइंग टू बी एल आर, y की जो वैल्यू होती है दैट इज गोइंग टू बी एम आर, और z की वैल्यू होती है एन आर। तो तुम लोगों को बता दूं कि ये ए बी सी से रिप्लेस कर सकता हूं मैं इसको, मतलब a इज इक्वल टू क्या हो जाता है यहां पे एल आर, यहां पे सिमिलरली b इज इक्वल टू क्या हो जाता है एम आर, और c इज इक्वल टू क्या हो जाता है एन आर। तो जब मैं बात करूंगा डायरेक्शन कोसाइन की, इसके डायरेक्शन कोसाइन में लिखूंगा तो तुम लोग एल एम एन की वैल्यू लिखने वाले हो, और एल एम एन की वैल्यू होती क्या है, एल एम एन की वैल्यू होती है ए बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दिस इज योर एल एम एन, इजंट इट। तो ये वैल्यू जो रहेगी तुम्हारी रहेगी एल एम एन, और यही एल एम एन जो रहेगा वो रहेगा डायरेक्शन कोसाइन। तो दोस्तों यहां पर आपके पास रिलेशन आ गया डायरेक्शन रेशियोज का और डायरेक्शन कोसाइंस का। तो यहां पर आपने देखा कि एल एम एन की वैल्यू निकालनी है आप लोग को, तो यहां पर आपने लिखा माइनस टू वन माइनस फाइव। और एल एम एन की वैल्यू क्या आएगी, सो आई होप इट इज क्लियर राइट। तो दोस्तों यहां पर आपके पास एक बड़ा ही आसान सवाल आ गया है। यहां पे तुम्हारे पास वैल्यू है पी की क्यू की, मतलब अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से इसको बनाऊं तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा पॉइंट है, मान लेते हैं कि ये पी है जिसका कोऑर्डिनेट है माइनस वन कॉमा टू, एक पॉइंट दिया हुआ है क्यू जो कि है थ्री कॉमा माइनस सेवन। अब तुमसे ये बोल रहा है कि एक्सप्रेस द वेक्टर पी क्यू, ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, यूनिट वेक्टर पी क्यू, ये सारी चीजें निकालनी है। और ये सारी चीजें मिला के तुम्हारे एग्जाम में आने वाली है, किसी भी पार्ट को छोड़ मत देना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और एक भी पार्ट मिस नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहली बात, ये ओरिजिन है, तुम लोगों ने ओरिजिन को ज्वाइन करना स्टार्ट किया, तो ये ओ से लेके पी तक। अब ओ से लेके पी तक का जब वेक्टर निकालेंगे तो बताओ कंपोनेंट क्या आएगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर सिखाया था ना, ओपी वेक्टर इज गॉट, ओपी वेक्टर इज व्हाट, माइनस आई कैप प्लस टू जे कैप, सिमिलरली यू विल ज्वाइन दिस तो यू विल गेट ओ क्यू वेक्टर, अब बात करते हैं जब ओपी आ गया ओ क्यू आ गया तो बात करनी पड़ेगी हमको किसकी, पी क्यू वेक्टर की। पी क्यू मतलब पी क्यू को ज्वाइन तो कर दोगे लेकिन यह रहेगा एरो इस तरह से पी से लेके क्यू तक, पी रहेगा आपका इनिशियल पॉइंट, क्यू रहेगा टर्मिनल पॉइंट। और पी क्यू वेक्टर की वैल्यू क्या रहती है, ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। ओके दोस्तों, तो डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू क्या रहेगा, पी क्यू वेक्टर की वैल्यू अगर आपके पास यहां पे आ चुकी है तो डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू वेक्टर रहेगा आपके पास पी क्यू वेक्टर का मॉडुलस जो कि होता है रूट 97। वैसे जब बात करता हूं यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू की तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, वन, वन मतलब वेक्टर में से उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दो। और जब बात होती है मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर की तो बस आपके पास x बाय रूट 97, y बाय रूट 97।
जिसका आंसर आएगा 1। तो तुम्हारे पास दोस्तों सारे आंसर आ गए हैं, आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। और पीएन नोट करो फटाफट, बी क्विक। अब ये बहुत ही सड़ा सवाल है, यहां पे बोलता है फाइंड द टर्मिनल पॉइंट ऑफ पी क्यू हुज इनिशियल पॉइंट इज पी 2.6। अब यहां से तुमको दिख रहा होगा कि भाई पी क्यू वेक्टर के बारे में बात चल रही है, और जब भी मैं इसका पोजीशन वेक्टर निकालने पर आऊंगा, दिस इज ओ पी एंड दिस इज ओ क्यू, तो सबसे पहले मुझे बात करनी पड़ेगी ओपी वेक्टर की, फिर बात करनी पड़ेगी ओक्यू वेक्टर की, और फिर बात आएगी पीक्यू वेक्टर पे। तो ओपी वेक्टर का कंपोनेंट क्या रहेगा, 2i कैप + 6j कैप, दिस इज गोइंग टू बी α i कैप + β j कैप। एंड पी क्यू वेक्टर इज ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर। अब बात कर रहा है यहां क्वेश्चन में कि भाई यहां पर जो कंपोनेंट दिए हुए हैं पी क्यू वेक्टर के, उसमें x एक्सिस का कंपोनेंट ये है 3 और y एक्सिस का कंपोनेंट है -4। इसका मतलब जब हमारे पास अल्फा माइनस टू दिया हुआ है तो बेसिकली अल्फा माइनस टू इज इक्वल टू 3 एंड बीटा माइनस 6 इज इक्वल टू 4। तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई है और यहां से बीटा की वैल्यू आ गई है, और यही तो हमारे कोऑर्डिनेट टर्मिनल पॉइंट के, तो टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी आ गए। अब आपको ये देखना जरूरी है कि अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई है, इसका मतलब आपके पास ये वाला कोऑर्डिनेट आ गया है, और अगर अल्फा बीटा आ गया है तो अब आप यहां पे अल्फा बीटा प्लेस कर देंगे तो आपके पास पी क्यू वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी। क्या रहेगी पी क्यू वेक्टर वैल्यू, 3i कैप - 4j कैप। अब बड़े सिंपल है, इसका मॉडुलस निकालने को बोला गया है, कैलकुलस मॉडुलस ऑफ पी क्यू वेक्टर। तो भैया पी क्यू वेक्टर का मॉडुलस क्या रहेगा, 5। दैट्स इट, वेरी इजी, आई होप इट इज क्लियर, नोट इट डाउन। अब भाई क्वेश्चन में बोला गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए दे बोथ आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब पता है कि भाई एक ही डायरेक्शन में आपके पास वो लाइन के पीछे हो, एक ही लाइन में हो या फिर पैरेलल हो, तो ये ड्रैगेबल होते हैं, ड्रैग कर सकते हैं इसको हम लोग। तो बड़ा ही सिंपल सा फंडा होता है, पहला वैक्टर इज इक्वल टू लैमडा दूसरा वैक्टर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो ये आपका तब होता है जब कोलिनियर वैक्टर होता है, लैमडा सिर्फ कंपोनेंट है जज करने के लिए कौन सी पोजिशन मौजूद है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, ए आई कैप प्लस 6j कैप - 8k कैप इज इक्वल टू लैम्डा 3j कैप + 4k कैप, राइट। अब सॉल्व कर देते हैं, बढ़िया निकालते हैं कि क्या वैल्यू ए की। तो दोस्तों यहां मैंने सारे कंपोनेंट जो है करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट सब कंपेयर कर दिए हैं, यहां पर लैम्डा की वैल्यू आते दिख रही है -2, यहां पर भी लैम्डा की आते दिख रही है -2, और यहां पर तुमको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए इज इक्वल टू 2 ऑफ -2, इसका मतलब ए इज इक्वल टू -4। दैट्स इट, दिस इज योर फाइनल आंसर, आई होप यू गॉट इट। ओके, सो आपके पास फिर से एक सवाल आ गया है सेम तरह का, कोलिनियर बोल दिया जाए या पैरेलल बोल दिया जाए, कहानी सेम चलती है। फिर से आपके पास वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर वाली कहानी आएगी। तो 3i कैप + 2j कैप + 9k कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ i कैप - 2pj कैप + 3k कैप। बड़े आराम से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। अब आप करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को कंपेयर कर दो। अब आपने जैसे ही करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट कंपेयर किए तो लैम्डा की वैल्यू आ गई है 3, यहां से भी लैम्डा की वैल्यू आ रही है 3। यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, दैट्स इट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, वैल्यू ऑफ p इज -1/3। इसी तरह का एक सवाल और कर लेते हैं, यहां पर बोलता है राइट द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 15 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर i कैप - 2j कैप + 2k कैप। अब ये बोलता है कि आपको एक नया वेक्टर लिखना है, वेक्टर ऐसा लिखना है जिसमें कि ये जो एक वैल्यू दी हुई है i कैप - 2j कैप + 2k कैप, ठीक है, एक वेक्टर दिया हुआ है, इसी वेक्टर के डायरेक्शन में आपको एक और वेक्टर बनाना है, ये वाला वेक्टर। इस वेक्टर की वैल्यू क्या होगी ये निकालनी है, लेकिन उसके साथ साथ बता दिया गया है कि इस वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, इसके डायरेक्शन के बराबर है, लेकिन मैग्नीट्यूड 15 है। अच्छा सर, मतलब डायरेक्शन कहां से लेनी है, डायरेक्शन यहां से लेनी है। डायरेक्शन निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होता है सर, यूनिट वेक्टर से निकल जाती डायरेक्शन, वेरी गुड, निकाल दो।
वेक्टर की वैल्यू आ गई है। यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है? जब वेक्टर में से ही उसका मैग्नीट्यूड हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ गया उसका डायरेक्शन। अब आपको एक वेक्टर बनाना है इसी डायरेक्शन का, तो डायरेक्शन के लिए तो हमारे पास ये है। अब इसका मतलब मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? इसका मैग्नीट्यूड रहेगा 1। तो आपको जब 15 मैग्नीट्यूड का चाहिए तो सिंपली आपको 15 बाय इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इतना पार्ट जो हो जाएगा दैट विल बी मैग्नीट्यूड, और इतना पार्ट जो हो जाएगा दैट विल बी डायरेक्शन। तो आपका इस तरह से पूरा का पूरा वेक्टर बन जाएगा। 3 और 15 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर जो रहेगा, फाइनल आंसर मतलब रिक्वायर्ड वेक्टर दैट विल बी, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड वेक्टर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बड़े आराम से हमने वेक्टर का डायरेक्शन निकाला, मैग्नीट्यूड दिया हुआ था, डायरेक्शन को और मैग्नीट्यूड को मिला दिया, वेक्टर बन गया, isn't it?